हेलो बच्चों, हम अपना लेसन नंबर 17 दैट इज़ हेयर कम्स अ लेटर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने सबसे पहले लेटर की जर्नी के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने लेटर बॉक्स हम कैसे क्लास में बना सकते हैं वो पढ़ा था। उसके बाद हमने विजिट टू अ पोस्ट ऑफिस के, पोस्ट ऑफिस अगर हम विजिट करते हैं तो वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें आपको दिखेंगी, क्या उसकी कॉस्ट होगी और वहाँ पे कौन कौन से काम किए जाएंगे। उसके बाद हमने टेलीफोन के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे कुछ क्वेश्चन अराइज हुए थे, जिसमें पहला क्वेश्चन था वेयर ऑल हैव यू सीन टेलीफोन्स, कि आपने टेलीफोन्स कहाँ कहाँ देखे हैं। तो इसमें जैसे हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट ऑफिसेस, होम, स्कूल, सभी जगह जो है वो टेलीफोन्स अवेलेबल होते हैं। विथ होम डू यू टॉक ऑन द टेलीफोन, टेलीफोन पे आपने किससे बात की है। तो विद माई फ्रेंड्स, विद माई रिलेटिव, विद माई पेरेंट्स, विद माई फैमिली, ये आप लोग जो है वो यहाँ पे मैंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द टू डू यू लाइक मोर, राइटिंग अ लेटर और मेकिंग अ फोन कॉल एंड वाई, के दोनों में से लेटर लिखना या फोन कॉल करना आप कौन सा प्रेफर करोगे और क्यों। तो क्यों, क्योंकि हम जो है वो फोन करना प्रेफर करेंगे, क्योंकि फोन अगर हम किसी को करते हैं तो हमें जो रिस्पांस है वो उसी टाइम दोनों उसी दूसरी साइड से भी मिल जाएगा, लेकिन अगर हम लेटर लिखते हैं तो हमें रिस्पांस के लिए जो है वो वेट करना पड़ता है, क्योंकि पहले जो हमारा लेटर है वो इतनी लॉन्ग जर्नी पास करके वहाँ पहुँचेगा, फिर वो लेटर लिखेंगे, फिर लॉन्ग जर्नी पास करके जो वो हम तक उनका रिस्पांस आएगा। लेकिन हम कॉल करते हैं तो वो तभी जो है वो हमारी बात हो जाती है और हमें रिस्पांस मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपने टेलीफोन ड्रॉ करना था जो आपने देखा है। उसके बाद क्वेश्चन है व्हाट ऑल पर्पजेज कैन दिस टेलीफोन बी यूज्ड फॉर, दोनों पर जो टेलीफोन है वो किस किस पर्पजेज के लिए यूज किए जाते हैं। तो कम्युनिकेशन करने के लिए, दूसरे से बात करने के लिए, आजकल फोन पे जो है वो स्टडी की जा रही है, तो मतलब टेलीफोन जो है वो हर जगह यूज किए जाते हैं। मेक योर ओन टेलीफोन, आप अपना टेलीफोन खुद बना सकते हैं, वो कैसे बना सकते हैं वो पढ़ते हैं। फॉर दिस यू नीड टू एम्प्टी मैच बॉक्सेज और आइसक्रीम कप्स एंड थ्रेड, के टेलीफोन बनाने के लिए आपको दो खाली मैच बॉक्सेज या फिर आइसक्रीम कप्स और साथ में क्या चाहिए, धागा चाहिए। मेक होल्स इन बोथ द मैच बॉक्सेज और आइसक्रीम कप्स, इसके लिए आपने जो आपके मैच बॉक्सेज या आइसक्रीम कप्स आपने लिए हैं उसमें आपने छेद डालने हैं। पास अ थ्रेड थ्रू बोथ द होल्स, उन दोनों होल्स के थ्रू आपने क्या करना है, एक धागा पास करना है। टाई नॉट्स ऑन बोथ द एंड्स ऑफ द थ्रेड, फिर जो आपने थ्रेड आपने पास किया है ना दोनों कोर्ड्स के थ्रू, वहां से आपने क्या करना है, टाई नॉट्स, गांठ बांध देनी है कि जो धागा है वो फिर से बाहर ना आए। योर टेलीफोन इज नाउ रेडी, आपका जो टेलीफोन है वो अब रेडी हो चुका है। आस्क योर फ्रेंड्स टू पुट वन एंड ऑफ द फोन नेक्स्ट टू हिज ईयर एंड यू होल्ड द अदर एंड क्लोज टू योर माउथ, आपने क्या करना है, जो मैच बॉक्स या आइसक्रीम कप्स का एक एंड है वो एक फ्रेंड अपने कान के साथ लगा लेगा और दूसरा फ्रेंड जो है वो अपने माउथ के साथ लगा लेगा। टेक केयर दैट द थ्रेड रिमेन स्ट्रेच्ड एंड डज नॉट टच एनीवेयर, कि आपने ध्यान रखना है कि जो थ्रेड आप यूज कर रहे हो बिल्कुल सीधा होना चाहिए और वो कहीं भी टच ना करे। स्टार्ट टॉकिंग, फिर आपने बातें करना स्टार्ट कर देना है। जैसे मान लो कि ये जो है वो दो आइसक्रीम कप्स है, यहाँ पे आपने होल डाल दिया या नीचे डाल दिया, फिर आपने इसमें से थ्रेड पास कर देना है, एक ने अपने कान के साथ लगा लेना है, एक ने अपने माउथ के साथ लगा लेना है और बात करना स्टार्ट कर देना है। उसके बाद क्वेश्चंस हैं डिज़ाइन योर ओन फोन मेंशन इट्स स्पेशल फीचर्स, आपने अपना फ़ोन डिज़ाइन करना है और जो भी उसकी फीचर्स हैं वो आप लोगों ने स्पेशल उसकी बतानी है। नेक्स्ट है वी रोट अ लेटर वी ऑल्सो मेड अ फोन कॉल, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन अ लेटर एंड अ फोन कॉल, कि हम लेटर भी लिखते हैं और हम फोन भी करते हैं तो लेटर और फोन में क्या सिमिलैरिटीज हैं, मतलब एक जैसी चीजें क्या हैं और डिफरेंसेस और अलग अलग क्या हैं, तो आपने सिमिलैरिटीज भी बतानी है और डिफरेंसेस भी बताने हैं। ठीक है, जैसे अब अगर हम सिमिलैरिटीज, पहले जो एक जैसी चीज है वो हम देखते हैं, तो एक जैसी चीज क्या है कि वो हम कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। कम्युनिकेशन मीन्स हम फोन और लेटर दोनों का यूज जो है वो अपनी बात दूसरे आदमी तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और अगर हम डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस मैंने पहले भी बताया कि अगर हम
फोन करते हैं तो हमें रिस्पॉन्स जो है वो एकदम अचानक से इंस्टेंटली मिल जाता है, लेकिन हम लेटर लिखते हैं तो हमें उनके रिस्पॉन्स के लिए जो है वो वेट करना पड़ता है, जो कि हमें फोन के केस में नहीं करना पड़ता। उसके बाद है, व्हाट आर द अदर मीन्स ऑफ सेंडिंग इन मैसेज इफ देयर आर नो पोस्ट ऑफिस, कि अगर पोस्ट ऑफिस नहीं है तो उसके लिए, और हम अगर हम मैसेज भेजना चाहते हैं किसी दूसरे इंसान को तो हम क्या क्या तरीके यूज करेंगे, तो हम उनको क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ईमेल्स कर सकते हैं, ईमेल आजकल सभी मेल ही करते हैं, तो हम ईमेल, टेलीफोन्स इनका यूज़ करके जो है वो अपना जो भी हमारा मैसेज है वो दूसरे पर्सन तक पहुंचा सकते हैं, इन केस अगर पोस्ट ऑफिस अवेलेबल नहीं है। क्योंकि आजकल अगर आप देखें तो लेटर्स जो है वो बहुत कम, हार्डली ही कोई लेटर लिखता है आजकल, फोन्स हैं, टेलीफोन्स हैं, मोबाइल्स हैं, तो लोग जो है वो एकदम से नंबर डायल करके जो है वो उनसे बात कर लेते हैं, ये जो भी उनको काम होगा, मैसेजेस उन्हें शेयर करने हैं, और जो भी जैसे ऑफिशियल मैसेजेस हैं उनको ईमेल के थ्रू जो है वो सेंड किया जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये लेसन ख़त्म होता है। बाकी आपने इस चैप्टर का रिवीजन कर लेना है, कोई भी अगर डिफ़िकल्टी आपको लगती है तो वो आप विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट लेसन जो है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।